लोहरदगा में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन शहरी क्षेत्र स्थित नगर भवन में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लोहरदगा उपायुक्त डॉ. वाघमारी प्रसाद कृष्ण, पुलिस अधीक्षक हरीश बिनजमा, DDC दिलीप सिंह शेखावत, SDO अमित कुमार, समाज कल्याण पदाधिकारी सीता पुष्पा शामिल हुई। बेटियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, ताकि देश के विकास में बेटियों का भी अहम योगदान हो और देश में लिंग अनुपात में सुधार हो सके। इस मौके पर बालिकाओं द्वारा खेल और शिक्षा के साथ समाज में बेहतर कार्य करने वालों को अधिकारियों द्वारा सम्मानित भी किया गया। साथ ही अधिकारी और बालिकाओं ने मिलकर कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, बाल मजदूरी और लिंग आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए शपथ भी ली। पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, तो बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना भारत सरकार की योजना है, जो बालिकाओं के लिए सर्वांगीण उत्थान के लिए इस योजना का निर्माण किया गया है। और इसमें कन्या भ्रूण हत्या, बालिकाओं की शिक्षा और बालिकाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकना, पलायन और तस्करी से को रोकने, इससे संबंधित इसमें कई तरह की सब योजना उप योजना संचालित है। और आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम लोग बड़े पैमाने पर यह जिले में जागरूकता और समाज में यह जागरूकता फैलाएं कि बेटियां ही हमारे समाज की नींव है, और इसीलिए हम लोग आज के दिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं। न्यूज़ विंग के लिए लोहरदगा से प्रीतम की रिपोर्ट।